Hello friends, a very welcome to our MNS Prep channel dedicated to MNS aspirants. This is part three of general knowledge. Part one and two is already provided, and even a separate playlist is provided for this GK parts. You can check it out there. Okay, so start करते. Question number first is which country is also known as the playground of Europe? Options are Australia, Holland, Switzerland, and Italy. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्विटरलैंड स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप वन इम्पोर्टेंट फैक्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी दैट इज आई ओ सी सो आई ओ सी का हेडक्वाटर है ल्यूसाने स्विजरलैंड में ओके सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो की जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है उसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विजरलैंड Next question number two Which continent has the highest number of countries? In my say, continent my highest number of countries. Hain? Options are Asia, Europe, North America, Africa. So, as you can see in this picture, the number of countries in the continents. So, 54 is the highest number of countries in one continent that is Africa. So, option D is the correct answer. Option D is actually the correct answer. अफ्रीका, ओके अफ्रीका है कंट्रीज़, हैज फिफ्टी फोर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज ओके नेक्स्ट विच प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सो इनमें से कौन सा प्लेट्यू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ऑप्शन आर पामीर, टिब्बित हिमालयन एंड काराकोरम सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी तिब्बित नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है ऑप्शन मर्मगोआ देहरादून दार्जिलिंग सो द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट दार्जिलिंग सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दार्जिलिंग दार्जिलिंग की टी ही है जिसको पहले जीआई टैग दिया गया था इंडिया के अंदर ओके जोग्राफिकल इंडिकेशन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज इंडियाज गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है ये इंडिया का लार्जेस्ट गुरुद्वारा है सो सोप्शन इज द करेक्ट आंसर इंडियाज लार्जेस्ट गुरुद्वारा दैट इज गोल्डन टेम्पल नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स हैवी वाटर प्रोजेक्ट दैट इज कल्चर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पैरादीप आर फेमस इन इंडस्ट्रीज ऑफ सो so, जो फर्टिलाइजर प्लांट है पैरादीप में पैरादीप का एक आपका पोर्ट भी है ठीक है पैरादीप के नाम से तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एन ओरिसा सो पैरादीप फर्टिलाइजर प्लांट एंड कल्चर विच इज़ द हैवी वाटर प्लांट वाटर प्रोजेक्ट इज इन ओरिसा नेक्स्ट इज डूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम सो डूरेंट कप इनमें से कौन से गेम से रिलेटेड है ऑप्शंस आर वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट हॉकी सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ फुटबॉल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फुटबॉल गाइज अगर आपको क्वेश्चन एंड वीडियोज पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ एंड साइंस की वीडियो मैं आपको आफ्टर थर्ड ऑफ अक्टूबर प्रोवाइड करूंगी ओके okay, जिसमें हम आपको आ, जो बचे हुए कुछ चैप्टर्स हैं बायो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मैंने प्रोवाइड की दिया कर दिया है कंप्लीट जिसमें क्वेश्चंस कवर हुए हैं उस चैप्टर के तो यू कैन चेक इट आउट सो क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट क्वेश्चन कोरल रीवस इन इंडिया कैन बी फाउंड इन जो कोरल रीव्स इन इंडिया के अंदर है वो मेनली तो अंदमान एंड निकोबार में है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी दैट इज़ रामेश्वरम तो रामेश्वरम भी आपका अंदमान एंड निकोबार की साइड ही आता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी इन रामेश्वरम नेक्स्ट इज इकोलॉजी डील्स विद जो इकोलॉजी है इट डील्स विद ऑप्शन बर्ड्स रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एंड देयर ऑप्शन डी इज टिश्यूज सो टिश्यूज से रिलेटेड है हिस्टोलॉजी सेल्स से साइटोलॉजी बर्ड से ऑर्नेथोलॉजी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी

चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के तो पहले जो होंगे जो जनरल थे आर्मी के दैट इज के एम करियपा है ना लेकिन यहाँ पर पूछा है फर्स्ट इंडियन चीफ कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंपनी हैज डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जो कि कंट्री की पहली बन गई है वैक्सीन डेवलपर अगेंस्ट निमोनिया ऑप्शन आर सन फार्मा कैपिला लिमिटेड डॉक्टर रेडीज एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेयर इज द नंदकानंद जुलॉजिकल पार्क लोकेटेड नंदकानन जूलॉजिकल पार्क इनमें से कहाँ लोकेटेड है ऑप्शन आर कटक मैसूर भुवनेश्वर राउरकेला सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी भुवनेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट नंदकानन जुलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूजेज रबर इन लार्ज क्वांटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया में से कौन सा है तो स्टेट जैसे हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर था केरला सो so, रबर भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है केरला में सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट मन क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया सो जो अल्टीमेट डिफेंडर है फंडामेंटल राइट के लिए इनमें से कौन सी बॉडी है ऑप्शन आर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पीपल ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो इसमें जो रिलेटेड है दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड इट डील्स विद आर्टिकल थर्टी टू of the indian constitution so article 32 related to the ultimate defender or the guarantor of the fundamental rights and this is option a supreme court so these were some 15 most important questions from your static gk and some current affair one or two question is related to your current affair in each gk parts and hope you, you like this video okay thank you so much for watching this thank you